कब्रिस्तान का एक नाम शहरे खामोशा भी है, इसको शहरे खामोशा भी कहते हैं, खामोश शहर। दुनिया बड़ी ज्यादा रह रही है वहां, लोग बहुत ज्यादा हैं, लेकिन शोर कोई नहीं, सन्नाटा है हजरत, हूक आलम है। तो जब बुजुर्ग दोनों काम कर चुके ना, सलाम भी कर लिया, एहसान सवाब भी कर दिया, उनकी बख्शिश मगफिरत के लिए दुआ भी कर दी, तो ऐवें दिल में ख्याल सा आया, कैसा सुकून वाला शहर है, कैसे मजे से कब्रों वाले सो रहे हैं। तो हुक्मे इलाही से ना लिखा है कि एक कब्र से एक मुर्दा बोल उठा, उसने अर्ज की, हजरत ये आप क्या कह रहे हैं कि हम सुकून से सोए हैं, हम नहीं सुकून से सोए हुए। तो बुजुर्ग आगे से ना पूछते हैं, अगर तुम सुकून से नहीं सोए तो फिर क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा, हजरत जो दुनिया में सुकून से सोते रहे ना, अब हम उसकी सजा भुगत रहे हैं।